पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि ट्वीट में जिस तरह का बयान है ना ही मेरे द्वारा बोला गया है और ना मैं इसमें हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की फसाद करने के लिए इस तरह की साजिश कर रही है, हमारी और पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि FIR दर्ज करने के लिए ईमेल कर दिया है और संबित पात्रा पब्लिक के सामने माफी मांगे, नहीं तो हम अदालत तक जाएंगे। बड़े खेद का विषय है कि दिनांक 1/1/2020 को ट्विटर के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि कल दिनांक 31/12/2019 को श्री तारिक फतेह, जिनका ट्विटर आईडी सचिन सच से, और दिनांक 1/1/2020 को भाजपा के प्रवक्ता श्री संबित पात्रा द्वारा समय लगभग 1:07 दोपहर पर ट्विटर आईडी सजेशन पर फर्जी वीडियो और फर्जी कैप्शन डाला गया है, जिसमें मुझे फर्जी दिखाया गया है कि मैंने कहा है कि हम पहले मुसलमान हैं बाद में हिंदुस्तानी हैं आदि आदि, जिसकी काफ़ी संलग्न है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उक्त संबंधित वीडियो और कैप्शन में ना ही मेरी आवाज़ है और जिस आदमी को बोलते हुए दिखाया गया है वह मैं नहीं, अर्थात संबंधित वीडियो पूरी तरह से फर्जी, मुझे व मेरे परिवार को बदनाम करने, मेरी पार्टी को बदनाम करने, मेरे नेताओं को बदनाम करने, मेरी छवि धूमिल करने, मुझे मानसिक प्रताड़ना देने आज की साजिश है। क्योंकि भाजपा हर मोर्चे में फेल है, इसलिए श्री संबित पात्रा ने यह काम बीजेपी व अपनी कमियों को छिपाने की, इनकी साजिश छिपाने की इन साजिश की है, साजिश की है, इनकी साजिश के अंतर्गत इनकी साजिश है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, मुसलमानों को देशद्रोही साबित करने का असफल प्रयास है जो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होती। मेरे जैसा व्यक्ति यह क्रम कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैंने डिफेंस में सर्विस की। मेरे जैसा व्यक्ति यह सपने में भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं आज आप लोगों के माध्यम से, अब आप जानते हैं कि वह बहुत ही बड़बोले हैं। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।